जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शायद ये शब्द भी यूज़ ना करना पड़े, ये एक नेचुरल तरीके से उस औरत को वो रिस्पेक्ट मिले। साथिया की बात करूँ तो उन्हें वो अपना सा घर लगा, वो कोकिला गोपी उन्हें अपनी सास और बहू के रूप में लगे। मुस्कान अभी कर रही हूँ, एक हार्ड हिटिंग शो है जिसमें आपकी लड़की कोठे से निकल के एक अपना एक ससुराल बना रही है, बट स्टिल एट द सेम टाइम अपने किरदार को नहीं उसने छोड़ा है। अब तक आप बेहतरीन एक से बढ़कर एक सामाजिक विषयों पर सीरियल्स लेके आ रही थी और डेब्यू किया है आपने पौराणिक कथाओं पर, तो इस अंदाज में किया है कि सभी तालियां बजा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है आपको इस माहौल को देखकर? बहुत अच्छा, और शायद जो अभी हम 3-4 महीने से जो इतनी मेहनत कर रहे थे और आज के इस एटमॉस्फेयर को देखे, लोगों का एक्साइटमेंट देखे, आई थिंक बहुत बहुत खुशी मिल रही है। और मैं बहुत आज खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हम इतनी अच्छी कहानी कह पा रहे हैं, और मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आई होप मैं उस कोशिश में थोड़ी बहुत भी सफल रहूँ। और जैसा कि आपने बताया पहले भी, वीमेन एम्पावरमेंट हर तरफ आजकल ये बात होती है कि वीमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सके, और आपकी स्टोरी में ये स्टोरी लाइन ही जो है वो महिला प्रधान है और देवों के बीच में देवियां अपना डिसीजन ले पा रही हैं, ये अद्भुत है अपने आप में। कितना आप यही इस कहानी की खासियत है, और यही इसी सिचुएशन ने मुझे एक्साइट किया इस कहानी की तरफ कि हम आज जिस तरह से महिलाओं के लिए बात करते हैं, बट कितने समय पुरानी, मतलब अगर हम बात करें तो हमेशा महिलाओं का एक बहुत अच्छा एक डिसीजन मेकिंग स्तर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब जिस तरह के माहौल हम लोग सब देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे बहुत लगता है कि सही कहानियाँ आनी चाहिए कि हम इतना हर एक मर्द पुरुष स्त्री बच्चे सब भगवान को मानते हैं, बट अगर वो दिल से माने और दिल से समझे तो आई थिंक महिलाओं पे जो हम कह रहे हैं ना इतनी बड़ी बड़ी बातें, या हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शायद ये शब्द भी यूज़ ना करना पड़े, ये एक नेचुरल तरीके से उस औरत को वो रिस्पेक्ट मिले। या कोई भी जिस तरह से आज वायलेंस हो रहा है डोमेस्टिक या कुछ भी, अब जिस तरह से औरतों के प्रति जो आप सुनते हैं उनके ऊपर शोषण हो रहा है जैसी बात है, मुझे लगता है कि ये शो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को ये इमोशनली टच करेगा कि एक औरत का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, एक औरत का क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइट की इस कहानी में, और एक्चुअली में बहुत महिला प्रधान शो है जी। और सोसाइटी में वो जो लोगों की मानसिकता है, क्या इस शो से उससे बदलाव आएगा? देखिए, मेरी तो कोशिश है, बाकी माता रानी की का आशीर्वाद रहा तो ऐसा हो, बट हाँ हमने कोशिश तो की है, छोटे ही वे में सही, बट कुछ कहने की बात रखी है इस तरह की, अगर लोग इसे ले पाएँ पॉजिटिवली तो आई थिंक हमारे बनाने का जो इंटेंशन है वो बहुत यू नो वो पूरा होगा। और न सिर्फ वो वैष्णो देवी जो छोटी माता हैं वो इतनी क्यूट हैं, इतनी सुंदर हैं, और एक एक जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगा कि टेलर मेड है। कितना ये जो चुनाव था उनके सिलेक्शन में कितनी मेहनत लगी? ये सब हो गया, मैं इस शो के बारे में ना ये नहीं कहूँगी कि ये सोचा, आई थिंक सब चीज़ें ना बहुत स्मूथ, मतलब मैं नहीं कहूँगी स्मूथली, बट सब चीज़ें बैठी हैं अपने उसमें। जैसे आप अगर आप सब देख रहे हैं तो आई थिंक वो देवी देवता बच्ची वो आई थिंक सब शायद आई थिंक डिसाइडेड थे वो प्ले करने के लिए। और रश्मि जी, न सिर्फ टीवी बल्कि फिल्म्स में भी आप वैसी फिल्में बना रही हैं, वैसे काम कर रही हैं जो थोड़ी अलग हैं, जिनको लोग मतलब न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उनके सोच में भी शायद थोड़ा बदलाव आ रहा है जी। क्या आप मतलब सोच के इस तरीके से करती हैं या फिर वो हो जाती है चीज़ें? मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सोच के, बट हाँ ये सोच है कि जब भी कहानी का कोई चयन करें या सिलेक्शन हो तो डेफिनेटली लोग अपने दिमाग में अगर घर जा रहे हैं तो उस फिल्म को या उस सीरियल के उस एपिसोड को लेकर जाएं, ना कि देखा और भूल गए। आई थिंक वही मेरी और मेरे हस्बैंड पवन जी हम दोनों की हमेशा इंटेंशन रहा है कि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट सोचते हैं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा हो उसमें कि लोगों के दिमाग में और दिल पे यू नो वो बात रहे, पसंद करे, और वो कहीं ना कहीं उनके वो इमोशंस को टच करे, वो उन्हें शायद थोड़े बहुत ही से वो रियलाइजेशन, वो कहते हैं ना कि एक, एक, एक आपको एक आपको लगा आपने कुछ देखा, ना कि ठीक है देखा भूल गए कल आपने देख लिया, वो एक एक कोशिश है छोटी सी रहती है। और फिल्म प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं वैसे? बिल्कुल, मैं आज तो उस बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि जब चीज़ें उस लेवल पे हों, जब वो स्क्रीन पे आने वाली, चाहे वो टीवी हो या फिल्म हो या वेब हो, तब तक कहने से थोड़ा दूर भागती हूँ, बट होपफुली जल्दी इनके बारे में कह पाऊँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक जो डोमिनेंस हुआ करता था कुछ खास लोगों का, वो आपने ब्रेक किया, आपने एक अलग तरीके के शोज लेकर आए, अलग सोच के शोज लेकर आए, और लोगों के सोच में बदलाव किया, बल्कि TRP चार बस्टर्स में भी आपके शोज रैंक करने लगे और आप अपना खुद का एक स्थान बनाया इस इंडस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये चीज़ को आपने हासिल किया? मैंने सिंपल सिर्फ ये किया जो मैं कहना चाहती थी, मैंने वही कहानियों को कहा है। कोशिश
हमेशा रही है कि ऐसी कहानियाँ खोजूँ जिसे लोग देखें तो उन्हें एक रिलेटिबिलिटी लगे, उन्हें लगे चाहे वो हमारा घर है, चाहे मैं साथिया की बात करूँ तो उन्हें वो अपना सा घर लगा, वो कोकिला गोपी उन्हें अपनी सास और बहू के रूप में लगे। मुस्कान अभी कर रही हूँ एक हार्ड हिटिंग शो है जिसमें आपकी लड़की कोठे से निकल के एक अपना एक ससुराल बना रही है, बट स्टिल एट द सेम टाइम अपने किरदार को नहीं उसने छोड़ा है। अब माता वैष्णो देवी पे हम आए हैं तो उसमें भी कहानी बहुत प्यारी सी एक किस तरह से एक माता के बनने की जर्नी है, तो कहीं ना कहीं उस बच्ची ने जो जिस तरह से वो कहानी में जो चीज़ें रखेंगी एक सिंपलिसिटी के तहत वो कहने की कोशिश है, तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बात मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कही है। लेकिन तारीफ करना चाहूँगा कि फिल्म्स में जो मादा नहीं रखते लोग कि एक यूनिक की कहानी मतलब फीमेल लीड ऐसा बनाया जाए वो आप टीवी पर लेके आई, शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हिम्मत कहाँ से आती है आपके यहाँ? नहीं, हमें बहुत हिम्मत है, बट मैं इसमें प्लेटफॉर्म का भी इसके लिए थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने सब्जेक्ट को चुना, और डेफिनेटली हमारे लिए कहानी ये एक्चुअली में मेरे हस्बैंड पवन उनके बहुत ही करीबी उनकी देखी हुई कहानी थी जिसको हमने एक बहुत ही खूबसूरती से कोशिश की कि हम उसे टेलीविज़न पर लाएँ ताकि लोग एक्सेप्ट करें। तो मैंने अगेन कहा कि हमारे लिए कहानी जितने जिन कहानियों की बात आप कर रहे हैं अगर वो दिल को छूए तो बहुत रियल रही है, मतलब कहीं से बनावटी नहीं थी। लोग यार कहीं ना कहीं हम आप देखते हैं या कहीं ना कहीं उसे हम फील करते हैं या हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड पे वो हमें टच करके गई होती है। और ये भी खबरें आ रही कि रुबीना शायद शो में आगे ना दिखें। आई थिंक अभी ये जो हम जिस मंच पे जिसके लिए बैठे हैं उसके लिए ये शो का डिस्कशन शायद ठीक ना होगा, बिकॉज माता रानी का शो है और उन्हीं का जितना डिस्कशन रहे अच्छा होगा, उसके लिए हम डेफिनेटली दोबारा बैठेंगे और होपफुली आपके इन सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, शो लेकर आई हैं आप दर्शकों का प्यार में, थैंक यू।